करंट लगने से नानी और नातिन की घटना स्थल पर ही हुई मौत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के नया रावण भाटा में एक दुखद घटना घटित हुई है, जहां नानी एवं नातिन की करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं सिटी कोतवाली महासमुंद लाश का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सौंप दी है। ज्ञात हो कि स्थानीय नया रावण भाटा वार्ड नंबर 30 में सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास प्रियंका बाग, पिता सहदेव बाग सीनापाली उड़ीसा निवासी, जो कि अपनी नानी के घर महासमुंद आई हुई थी। प्रियंका घर के आंगन में लगे तार पर कपड़ा सुखाने गई थी, जहां आंगन में लगे कपड़े सुखाने के तार में मीटर का सर्विस वायर भी टच हुआ था, जिसे किसी को पता नहीं था। जैसे ही प्रियंका कपड़े को सुखाने के लिए तार को छुआ, वैसे ही उसे करंट लग गया और वह चिपक गई। प्रियंका को गंभीर हालत में देख उसकी नानी उइकिया नेताम उसे बचाने गई। प्रियंका को बचाने के चक्कर में उसकी नानी भी करंट के चपेट में आ गई और वहीं नानी और नातिन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंका उड़ीसा से अपनी नानी के यहाँ नवाखाई पर्व मनाने आई हुई थी। घटना के बाद परिजनों एवं मोहल्ले में शोक का माहौल है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के नया रावण भाटा वार्ड नंबर 30 में सुबह 8:30 बजे की घटना है। एक महिला श्रीमती उतिया बाई नेताम, ये 47 वर्ष की है, ये जब अपने घर के पीछे बाड़ी में तार में कपड़ा सुखाते हुए जब गई, तो तार में करंट होने से वह करंट से चिपक गई और उसे बचाने उसकी नातिन रीता बाग 24 वर्षीय ये जब गई तो वो भी चिपक गई और दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इसमें मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और इसमें पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें मर्ग इंटीमेशन लिया गया, अभी एफआईआर नहीं की गई है। महासमुंद से आशीष गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।